नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 9वीं की समकालीन भारत के बारे में। तो इसमें हम लोग अभी तक आपके 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका 6वां चैप्टर है इसका, और लास्ट चैप्टर है इस बुक का। ठीक है, इसमें जानेंगे हम लोग जनसंख्या के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। धैर्य के साथ बने रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। याद रखिए, संसाधन में आपने सुना होगा, जापान के प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि विकसित होने का सबसे ज्यादा, वहां विकसित होने का क्या कारण है? मानव संसाधनों का होना। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि अगर एक खेती में यहाँ 5 लोग हैं, एक परिवार, तो 5ों लगे हुए हैं। जो एक आदमी काम कर सकता है, उसे 5-6 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। समझ में आए? और आपने देखा होगा, आज से कुछ साल पहले कोयला का कोई उपयोग करता था? नहीं, जब मानव आया, उसी ने जिस तरह से उपयोग किया, तभी वो आपका संसाधन बन गया। इसे एक तरह से मान सकते हैं। किस तरह से? जैसे आज से कुछ सालों पहले रेत का उपयोग नहीं होता था, लेकिन मानव ने खोज की, नए नए प्रयोग किए, उसके बाद आपका रेत भी आपका संसाधन बन गया। तो सबसे बड़ा संसाधन मानव ही है। अगर मानव जिसका उपयोग करने लगे, वही संसाधनों की सूची में सम्मिलित हो जाता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तथ्य या एक संदर्भ बिंदु है, जिसके दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या फिर गुण पर्यावरण के सभी स्वरूप को समझने, उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है, इसलिए जानना आवश्यक है कि देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी में प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। जनसंख्या का आकार और वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यापारिक संरचना, स्वास्थ्य की आवश्यकता। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011, मार्च 2011 तक भारत की जनगणना 12,106 लाख थी, 121 करोड़ के लगभग। ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। याद रखिए, भारत आपका जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन है।
यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4 यानी कि 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। जनगणना, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लिया है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना आपकी जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी, हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में शुरू हुई थी और लॉर्ड रिपन के काल से ये नियमित रूप से हुई है। ठीक है, भारत विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4 है और जनसंख्या में 17.5। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। याद रखिए 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। अभी आपकी 2011 की जनगणना में हम लोग पढ़ रहे हैं, 2021 के जब सेंसिस आ जाएंगे, लास्ट जो अंतिम जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जब तक आंकड़े नहीं आते हैं तब तक आपके लिए 2011 की जनगणना महत्वपूर्ण रहेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। सबसे जनसंख्या किसकी है, कौन से राज्य की, उत्तर प्रदेश की, जहाँ की कुल आबादी 1990 यानी कि 1,990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। जो आपकी कुल जनसंख्या है उसमें से 16% हिस्सा आपका अकेला उत्तर प्रदेश का है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा तो लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी भारत की कुल आबादी का केवल 5.5% है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका कौन सा राज्य है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है, यानी कि प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उन्हें जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1,102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। याद रखिए तो सबसे ज्यादा कहां है, बिहार में जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। यहां देख लीजिए आप लोग जनसंख्या वितरण, देखिए उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा 16%, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का 6% हिस्सा है, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली 1%, जम्मू कश्मीर 1%, उत्तराखंड 1%, अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 2%। ठीक है, याद रखिए टॉप 5 याद रखा करिए, फिर चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो, क्षेत्रफल के में, फिर घनत्व के, क्योंकि टॉप 5 और एक सबसे नीचे के पॉइंट याद रखिए क्योंकि यही पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, आपको कहीं आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो वहां वो एग्जाम्पल देने के लिए जरूरी हो जाते हैं। एक बात और काम करना है, एक काम क्या करना है आपको, सभी राज्यों को अपना
क्रम से याद रख लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस बनता है तो आपसे गलत नहीं होगा। अगर आप लोग क्रम से, आपका राज्य याद होगा, आपको पता होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर है, लेकिन अब आपने देखा होगा 2019 से जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 370 जो धारा थी यहाँ से हटा दी गई है, अनुच्छेद 370, विशेष राज्य का दर्जा जो मिला हुआ था जम्मू कश्मीर, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब सब वो सभी प्रावधान यहाँ लागू होंगे जो अन्य राज्यों में आपके लागू होते थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है आपका, ये आपका पंजाब है, यही हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपका सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दमन बद्वीप, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बंगाल ही देख, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ठीक है। याद रखना, इन राज्यों को आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना हुआ था, आंध्र प्रदेश को अलग करके, ठीक। लेकिन अब 28 राज्य बचे हुए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बता दें। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? और असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग मध्यम से कम वर्षा वाले हैं। छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। आप भी जानते हैं ये बात को कि इस बात को कि आप लोग, आपने देखा होगा जहाँ उपजाऊ जमीन ही होगी वहां दो चार घर बने होंगे आपके गांव में, और जहाँ उपजाऊ जमीन होगी, पानी की व्यवस्था होगी, नदी हो गई, तालाब हो गए, उसके आसपास जनसंख्या बसना यानी कि लोग बसना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें खाने की व्यवस्था हो जाती है और पानी की व्यवस्था हो जाती है, तो हर कोई अपनी व्यवस्था से ही बसना पसंद करता है। और यही कारण है आपके कि पूर्वी भागों में आपके कम घनत्व, कम क्षेत्रफल में मतलब व्यक्ति रहते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व यहाँ कम है पाया जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का 70 है, आपने देखा ही, उत्तर प्रदेश में उपजाऊ भूमि है तो वहाँ आपका सबसे ज्यादा है, सॉरी सबसे ज्यादा नहीं, जनसंख्या वहां ज्यादा है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा आपका जनसंख्या घनत्व है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम बता सकते हैं आप लोग, जैसे आपका बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या यानी कि जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या यानी कि जैसे आपकी 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे आपकी निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि है, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है।
भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। यहाँ आप लोग देख लीजिए भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से 2011 के दौरान, 51 में, सॉरी 51, 51। देखिए इस तरह से आपका ग्राफ बना हुआ है, यानी कि 1951 से 61 में 21.64, उसके बाद 1971 में, 1961 और 71 के बीच में बढ़ी, फिर आपकी कमी 1971 से 81 के बीच में आपकी वृद्धि दर 24.66 रही। 1991 से 81 से 91 में आपकी 23.87, उसके बाद 1991 से 2001 के बीच 21.54% वृद्धि दर रही, उसके बाद 2001 से 2011 के बीच 70.64% रही। अगर हम लोग भारत की कुल जनसंख्या का 1991 से 2011 जनसंख्या 10 लाख में, तो देख लीजिए इस तरह से आपकी बढ़ती। अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से शुरू हुए 1901 में, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये पहुँच गए हैं 1210 19 लाख। भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर, कुल जनसंख्या 10 लाख में, 1 दशक में सापेक्ष वृद्धि, वार्षिक दर प्रतिशत में, मतलब वार्षिक दर प्रति वर्ष, ठीक। 2011 की हम लोग देख लेते हैं सीधी बात, 1210.6, ये आपकी 10 लाख में कुल जनसंख्या है अभी करंट की। 1 दशक में सापेक्ष वृद्धि आपकी 181.4 लाख, और वार्षिक वृद्धि रही 1.64%। सारणी 6.1, चित्र 6.4, आ बा दर्शाते हैं कि 1981 से 51 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करते हैं, जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई थी, किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820, यानी कि 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश में बन सकता है। अभी यह रिपोर्ट आई हुई है, अभी इसमें बताया गया है कि आपका 2035 तक भारत चीन को पछाड़ देगा जनसंख्या के मामले, यानी कि हम लोग नंबर वन पर पहुंच जाएंगे। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की तीन मुख्य प्रक्रिया है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहते हैं, याद रखिए इस पॉइंट को। एक वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण रहा है। अगर जन्म दर भी उच्च होती, मृत्यु दर भी उच्च होती,
जनसंख्या ज्यादा ना बढ़ती, लेकिन क्या हुआ कि जन्म दर उच्च रही और मृत्यु दर में गिरावट आई। जब कम लोग मरेंगे और ज्यादा जन्म लेंगे तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या बढ़ेगी। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आने लगी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण था? आपने देखा होगा कि पहले लोग 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, कभी 10, 10 तक बच्चे रखना पसंद करते थे, लेकिन अब के समय में बहुत से बहुत 1, 2 बच्चे रखते हैं। ठीक है, यही कारण है कि लोगों की मानसिकता बदल रही है, जागरूक हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने का प्रवास कहते हैं। प्रवासी आंतरिक देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभाव होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं, तथा नगर अभिकर्षण यानी कि पूर्व प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाती है। आपने देखा होगा कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जाना पसंद करते हैं, इसी एक तरह का ये प्रवास है। क्या रहता है आप भी जानते हैं कि जहाँ बच्चों के लिए शिक्षा होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, रोजगार की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य यानी पानी खाने की व्यवस्था होगी, लोग उसी जगह जाना पसंद करेंगे। अगर ये सुविधा गांव में भी उपलब्ध करा दी जाए तो लोग गांव की तरफ से शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रवासी जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, तो जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक यानी कि 2001 से 2011 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। बात करते हैं आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित करता है। किसी भी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते तथा उनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, यानी कि ये दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वयस्क 15 से 59 वर्ष, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं, यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। याद रखिए अभी हमारी जनसंख्या जो वयस्क जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर भारत इस जनसंख्या का फायदा ले लेता है, यानी कि एक प्रॉफिट ले लेता है, तो भारत बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी उपाय नहीं किया गया है जो फायदे का दिख रहा। ठीक, बाप ही सोचिए कि 10 युवा है, अगर उन्हें 10 युवा को काम कराया जाए, कुछ उत्पादन कराया जाए उनसे, तो फायदा है, वरना युवा वयस्क जनसंख्या का क्या मतलब है? अगर कुछ काम ही नहीं है, उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो खत्म है। वृद्ध, इसके बाद 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या फिर अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, ये स्वेच्छा रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। तो ये देखिए वयस्क,
यानी कि युवा आपके यहाँ अभी करंट में 2011 की जनगणना के अनुसार 58.7% जनसंख्या है जो आपकी उत्पादन में भागीदारी हो सकती है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भागीदारी कर सकती है। वृद्ध 6.9, बच्चे 34.4, ये आपकी दूसरों पर निर्भर जनसंख्या रहती है, तो इनसे काम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, एक बात और हमेशा याद रखिए, इसका तभी फायदा होगा, चीन ने इसका फायदा लिया जब उसके यहाँ इस तरह की जनसंख्या हुई काफी, तो उसने फायदा लिया, लेकिन भारत अभी तक इस मामले में कुछ ज्यादा ही जागरूक नहीं है। अब देखते हो आप लोग किस तरह से हुआ इसका। मुझे तो लगता है आधी जनसंख्या तो इसी में नफरत फैलाने में काम में लगी हुई है, ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, यहाँ नफरत की भावनाएं फैला रहे हैं वहां फैला रहे हैं। चलिए जो है अपना काम है, आप अपना काम करिए। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, जिसे आपकी आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में तीन समूहों के अनुपात को चित्र 6.5 में दर्शाया गया है। किसमें? 6.5। अब बात करते हैं लिंग अनुपात। प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, यानी कि प्रति 1,000 जो आपके आदमी हैं उनमें कितनी महिलाएं हैं, इसे यही आपका लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, महिलाओं की संख्या को गिनकर वही लिंग अनुपात होता है। यह जानकारी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाइए। सन 1991 से 2011 के बीच लिंग के अनुपात में को सारणी 2.6.2 में दर्शाया गया, इसे देख लीजिए। 1951 में आपका 946 महिलाएं थीं 1,000 पुरुषों पर, और 2011 की बात करें तो 943 बनी। इसकी भी मानसिकता की और जागरूकता की कमी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि आजकल देखते हैं आप लोग लड़कों को ज़्यादा वरीयता दी जाती, और उन्हें मतलब आपने देखा होगा कि हर आदमी चाहता है कि मतलब हमारा घर में बेटा पैदा हो। लड़की को एक हीन भावना की नज़र से देखा जाता है कि मतलब उसे पैदा करने में भी लोग डरते, लेकिन बहू माँ बहन सबको चाहिए, लेकिन पैदा करने में। चलिए ठीक है, जो भी चलते हैं। केरल में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 284, पुडुचेरी के प्रति 1,000 पर 1,038 महिलाएं, जबकि दिल्ली में प्रति 1,000 पर 866 तथा हरियाणा में प्रति 1,000 पर केवल 677 महिलाएं हैं। यानी कि केरल में आपकी पुरुषों से अधिक हैं महिलाएं, याद रखिए। पुदुचेरी में भी ऐसा ही है, पुदुचेरी में, लेकिन दिल्ली में आपका 1,000 पुरुषों पर 866 महिलाएं, और हरियाणा में आपकी 1,000 पर केवल 877 महिलाएं। अब बात करते हैं साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रख सकते हैं। यह आपको समझ में आया? 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को समझ लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप लोग अपने लोगों को पढ़ा लिखा मत बोलिए, क्योंकि पता है मतलब उन लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आजकल ये तो लिख पढ़ तो सकते हैं वो जो गांव के बिल्कुल
जिनके लिए काला भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर, वो भी आजकल लिख पढ़ सक रहे हैं। ठीक है, तो कोई खुशी होने की बात नहीं है। आपने देखा होगा लोग PhD करके भी ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, तो ये क्या पढ़ाई है? भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9%, महिलाओं की साक्षरता 64.6% है। साक्षरता दर में इस प्रकार का अंतर क्यों है? वही सामाजिक भेदभाव। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, हकीकत कभी अपने आंसर आइटम में लिखना भी मत और इंटरव्यू में भी कभी मत बताना, क्योंकि आप हकीकत देख रहे हैं। हकीकत कुछ और होती है, लेकिन हमें बैलेंस बनाकर लिखना पड़ता है। अगर हम लोग नकारात्मक नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी रख देंगे तो हमारे नंबर नहीं मिलेंगे उस तरह। ठीक है, व्यवसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। अब जब आप पता है कुछ तो हमारी सरकारों में कमी रहती है। अभी आपने देखा है कि कोरोना की वजह से अभी मजदूरों की जो 10-8 घंटे ड्यूटी ड्यूटी हुआ करती थी, काम करना पड़ता था, उसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, और राज्य सरकारों ने ऐसा प्रस्ताव लाया। अब आप सोचिए 12 घंटे एक इंसान को रख सकते हैं, पर हमारे यहाँ कितना वयस्क जो काम करने लायक हैं वो आपके 58% के करीब है। इनकी जगह आप लोग इस तरह कर सकते थे कि इन्हें घटाकर एक आदमी के लिए 6 घंटे काम करने की अनिवार्यता रख देते, 6 घंटे दूसरे व्यक्ति को रख लेते, तो क्या होता कि एक की जगह दो को रोजगार मिल जाता, दो काम कर सकते थे, तो बेहतर काम कर सकते थे। अब आप ही देखिए कि आप लगातार 12 घंटे काम नहीं कर सकते, समझ सकते हैं? इसकी जगह आपसे अगर 6-6 घंटे दो लोगों को रखा जाए तो बेहतर काम हो सकेगा, उसका फल भी मिलेगा, यानी कि लाभ भी हमें दिखेगा। लेकिन एक ही आदमी को, चलिए उनका भी अपना काम है। प्राथमिक, इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में आपकी क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन निर्माण कर आते। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाएं आती है। आप इसे इस तरह से ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं? गेहूं को ले लीजिए, गेहूं आपका प्राथमिक क्षेत्र है। जब आपका वो उत्पादन में जाएगा यानी कि बिस्कुट बनेगा, तब आपका द्वितीय क्षेत्र बन जाएगा। जब आपका पहुंचा जाएगा आपके पास तक, सेवाएं दी जाएंगी, मतलब आप तक पहुंचाना सेवा ही तो है, परिवहन के द्वारा किसी तरह से, तो वह आपका तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्यकर्ता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13% और तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यवसाय परिवर्तन हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास को प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विकास की जो प्रक्रिया है उसे प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, वही 2011 में घटकर प्रति 1000 पर आपकी 7.2 रहेगी। औसत आयु जो 1951 में आपकी 36.7 वर्ष थी, वही बढ़कर आपकी 2012 यानी कि 11 में 67.9 वर्ष हो गई। यानी कि जब 1951 में आपका औसत व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति की औसत आयु मिलाई दी जाती थी,
तो वो हर व्यक्ति 36.7 वर्ष जीता था, लेकिन 2011 में 67.9 वर्ष हो गई। ठीक, या औसत का मतलब ये होता है कॉमन संख्या ले ली जाती है। ठीक है, पर आप लोग सोचने लगे कि सब लोग 1951 में 36 साल जीते थे सर, ऐसा नहीं है। उस सब जनसंख्या को कोई जल्दी मरता मर जाता था, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 25 साल में, तो सबका कॉमन निकाल कर एक बता दी जाती है जनसंख्या। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारक हैं, जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है ऐसा। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। बात करते हैं किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्क से अधिक होता है। याद रखिए, मानव संसाधन तभी बन सकते हैं जब हम इन पर कुछ खर्च करेंगे, यानी कि इन्हें पढ़ाई लिखाई इस तरह से कौशल संपन्न बनाएंगे कि ये आगे काम आ सके हमारे, वरना अगर तुम इन पर खर्च नहीं करोगे, इन्हें कुछ अच्छा नहीं बनाओगे, तो ये कुछ काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता यानी कि एनीमिया से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं का पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कारगर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2001-2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमारे देश में दो सुविधाएं मिल जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई पिछड़ा भी नहीं रहेगा। एक स्वास्थ्य की, दूसरी शिक्षा। क्योंकि आपने देखा होगा गरीब के पास पैसा नहीं है, अगर उसे बीमारी होती है तो उसके सामने ऑप्शन रहता है मौत। किसी अमीर के पास पैसे में जो सक्सेस है, उसके पास अगर बीमारी होती है तो भी VIP विदेशों में भी इलाज करवा लेते हैं। अगर ये दोनों सुविधाएं, आपने देखा होगा गरीब के बच्चे वही फटीचर स्कूलों में पढ़ते हैं, कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। टीचर आएगा, पैर पसार कर सो जाएगा दूसरी कुर्सी लगाकर। ठीक, तो इन्हें अगर हम लोग VIP स्कूलों में पढ़ाएं, अगर अच्छे से स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था कर दें, तो ये भी तो आगे बढ़ सकते हैं। इनमें कोई कौशल की कमी नहीं है, यानी कि इनमें बहुत कुछ अच्छे गुण हैं। दिल्ली का काम मुझे अच्छा लगा, दिल्ली सरकार का, कि वहाँ कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा दो पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा, और यही हमारे मूलभूत आधार है। ठीक है, आप दुनिया को बुरा लगा हो मुझे पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का काम बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करवा देते हैं आप लोग,
तो इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। समझ में आया? मैं तो कहता हूं देश, पूरे देश में ऐसा हो जाना चाहिए कि स्वास्थ्य तो शिक्षा को तो कम से कम बेहतर बना देना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध कराना और बाल विवाह को रोकने के कानूनी कानूनों को सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिथिल एवं स्वास्थ्य जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। यानी कि आप स्वस्थ हैं तभी तो आप काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख लेना। और आपकी जो पीडीएफ थी उसे टेलीग्राम पर डाल दिया गया था, तो वहां से एक बार आप लोग उसे रख लें और अब देखिए। लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो बुक्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नहीं पढ़ते हैं तो एक समय काम चल जाएगा, लेकिन टाइम है अगर आपके पास तो उन्हें भी पढ़ लें क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं आपकी। ठीक है, तो अगर उन्हें पढ़ लेते हैं तो बेहतर रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं आपके इसी से संबंधित, तो इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आओदाब ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है। अवसादी शैलें, अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें परंपरागत संरचना होती है अवसादी शैलें होती है। अग्नेय शैलें, वे शैलें जो मैग्मा या लावा की पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं, अग्नेय शैलें होती हैं। आधार जनसंख्या, दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या आधार जनसंख्या होती है। आश्रय अनुपात, आश्रय अनुपात 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात होता है। आश्रित वर्ग में उन लोगों को रखा जाता है जो काम करने के काबिल नहीं होते, यानी कि काम करने की उनकी क्षमता नहीं होती। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही होते हैं तो वो भी माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं, और 60 वर्ष के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पर। ठीक है, आंतरिक अपवाह, एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उच्चावच, धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से रेखा में पाए जाने वाली वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप, एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में होता है आपका। जनसंख्या घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्र में जैसे एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की जनसंख्या आपकी जन्म दर होती है। जलोढ़ मैदान, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग आपका जलोढ़ मैदान होता है। जीवन प्रत्याशा, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु आपका जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जीवों, एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। झील, एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो
और चारों ओर से पूर्णता स्थल से घिरी हुई हिल कहलाती नवीन और युवा पर्वत। पृथ्वी के भूपटल के नवीन दौर में बने मोड़दार या बलित पर्वत जैसे आपका हिमालय, आल्पस, एंडीज तथा रॉकी पर्वत ये आपके नवीन पर्वत हैं। निमज्जन जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। पठार विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर भाग ऊपरी ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो, किनारे तेज ढाल वाले हों, यह आपका पठार होता है। पर्यावरण वह परिवेश तथा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। फिर है आपका पर्वत पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों का होता है। पशु पक्षी दी गए हुए क्षेत्र की जैव संपदा। प्रवासन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। आंतरिक प्रवासन का अर्थ है कि लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाह्य प्रवासन का अर्थ होता है लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इसे आप्रवास कहते हैं। जब वे उस देश को छोड़ते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि छठवीं से कक्षा आठवीं तक की बुक्स आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें इन सभी शब्दों की बहुत ही साधारण कहानी के रूप में परिभाषा बताई गई है। पर्यावरण क्या होता है, पर्वत क्या होता है, तो टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं उसे, ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना होता है। भ्रंश आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं। भारतीय भूभाग भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, यह आपका भारतीय भूभाग है। भारतीय मानक समय भारत की मानक मध्यान रेखा 82° 30' पूर्व देशांतर का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। भूगर्भीय पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो धरातल की भू आपत्तियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। भूगर्भीय प्लेट पर्पटी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना। भूसन्नति भूपर्पटी में बेहद गर्त अथवा दौड़ी या फिर सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भूसहितियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धसता जाता है, फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। मृत्यु दर प्रति 1,000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या फिर मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है, मानसून कहलाता है। मिलियन प्लस सिटी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को आप लोग मिलियन प्लस सिटी कहते हैं। मैदान समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है। रूपांतरित या कायांतरित शैल पूर्व निर्मित अग्नेय तथा अवसादी शैलों पर अधिक दाब या दबाव या फिर ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैल। लिंगनपात भारत में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगनपात कहते हैं। लैगून खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री सेवाओं के कारण बनती है। वनस्पति किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण आपका वनस्पति है। वलय पृथ्वी की पीढ़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। स्थलमंडलीय प्लेटें दुर्वताल मंडल के ऊपर तैरने वाले वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ तथा महासागरीय आदि स्थल के बड़े बड़े भाग। स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। हिमानी बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। पता है आपको, अगर आप लोग कक्षा छठवीं से आठवीं तक पढ़ते हैं तो अब बेहतर आप लोग आंसर दे पाएंगे और बेहतर आपको समझ में भी आएगा, ठीक है।
तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ लें तो अच्छा है। तो इस बुक में आप लोगों ने समकालीन भारत फर्स्ट कक्षा 9वीं की है आपकी बुक, तो इसमें आप लोगों ने 6 चैप्टर आपके देखे, कौन कौन से, भारत का आकार और स्थिति देखी थी पहला चैप्टर, दूसरे में हम लोगों ने बात की थी भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा था अपवाहतन, चौथे चैप्टर में जलवायु, पांचवें चैप्टर में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और छठवें चैप्टर में जनसंख्या के बारे में जाना था, ठीक है। इस प्रकार हमारी अभी तक कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं और 8वीं की बुक्स पूरी कंप्लीट हो गई 3 क्लास की, और कक्षा 9वीं की आपकी लोकतांत्रिक राजनीति हम लोग देख चुके हैं और समकालीन भारत भी देख चुके हैं। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है, कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र की। याद रखिए आपके जो भी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के चैप्टर बाई चैप्टर आपकी सभी क्लासें कंप्लीट NCERT पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे।